नेशनल खबर सब पर नजर। ऐसी कौन सी चीज आपको पसंद है, आपको लगा मिलना चाहिए? सबसे ज्यादा चीज पसंद जो है, मुझे लगा कि बहुत से पेशेंट को मिलने के बाद, पेशेंटों को तो पता ही नहीं होता था कि वो डायबिटिक है ही नहीं, नहीं रहा। तो मैं सरप्राइज हुआ ये स्टेटमेंट सुन के कि तो आज तक तो ऐसा किसी कोई भी डॉक्टर ने कहा ही नहीं। जब भी जाते थे वो जैसे 3 रीडिंग देख के बोलते थे ये डायबिटिक, और वो अपने जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर देते थे। तो वो लगा, फिर उसके बाद में लगा, फिर जो रिजल्ट्स लोगों के, जो मैंने प्रीव्यू देखे, रिव्यूज देखे, इवन दो इसमें इंक्लूडिंग डॉक्टर्स भी हैं, तो वो मोस्टली बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रहा। आप नॉन डायबिटिक हैं, आपको न डायबिटीज कभी थी, न कभी है, न कभी होगी आपको। जी हाँ, जयपुर के इस डायबिटीज मरीज और वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार के बीच हुई अहम चर्चा का पूरा हिस्सा आप देखेंगे इसी प्रोग्राम में आगे। डायबिटीज एक ऐसा नाम है जिसको शायद ही कोई व्यक्ति न जानता हो। यदि आप डायबिटीज की चपेट में आ जाते हैं तो जीवन भर गोलियां और इंसुलिन लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ऐसा मानना है अधिकांश डायबिटीज मरीजों का। लेकिन अब डायबिटीज मरीजों के लिए अच्छी खबर है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार ने एक खास फॉर्मूला खोज निकाला है जिसका नाम है डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369+, जिसके जरिए डायबिटीज को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार ने दावा किया कि भारत में तकरीबन 90% लोग बिना डायबिटीज के ही डायबिटीज का इलाज ले रहे हैं, जिसका कारण डायबिटीज की अनजाने में की जाने वाली अधूरी मेडिकल रिपोर्ट है। डॉक्टर कुमार एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक हैं। डॉक्टर कुमार को 45 वर्षों का बेहद सफल तजुर्बा है। भारत में एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की 40 से भी अधिक शाखाएं हैं। डॉक्टर कुमार को लोग डायबिटीज किलर के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल आप देखिए डायबिटीज मरीज और डॉक्टर कुमार के बीच हुई चर्चा का अहम हिस्सा। आपका नाम? हिम्मत सिंह। और कहाँ से हैं आप? एक्चुअली मैं इंडोनेशिया जकार्ता के पास में। क्या व्हाट इज योर प्रोफेशन? आई वाज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। बिल्ट न्यू पावर प्लांट्स, big size, 670 megawatt, 70 megawatt, more than 100 megawatts. Okay. Since how many years you are there? More than 10 years. 10 साल हो गए आपको करीब करीब। यहाँ के बारे में कैसे पता लगा आपको? मैंने तो एक्चुअली डायबिटीज की दवाई में फ्रॉम द बिगनिंग ले ही रहा था, तो उसके डोज बढ़ते ही जा रहे थे। अच्छा, कितने साल हो गए डायबिटीज को? 6 साल से ज़्यादा हो गए। तो आपका अनुभव, 6 साल का अनुभव डायबिटीज वो कंट्रोल में नहीं आते थे, कभी कभी कम होता था, कभी फिर बढ़ जाता सडनली। अब बीच बीच में तो 300-350 तक जाने लगा। उसका वन ऑफ द रीजन वो भी था कि मेरा स्ट्रेस लेवल वर्किंग में बहुत ज़्यादा था, लास्ट 6 महीने में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा था। तो एक वन ऑफ द रीजन जो मुझे समझ में आता था, स्ट्रेस तो एक नेचुरली वन ऑफ द रीजन है। प्लस आपका आउटसाइड खान पान का जो है, तो अभी आपकी फैमिली के साथ वहाँ है या कैसे? वाइफ साथ में रहती है। बट इतना वो ध्यान नहीं दिया था, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह तो जो गेहूँ वगैरह यूज करते ही थे, बट नहीं होता था तो नेचुरली आउटसाइड इंडिया, इंडोनेशिया मोस्टली चावल, 99% चावल ही चावल खाते हैं, और वहाँ पे चेप चिकन फिश और ये सब नॉन वेज ज़्यादा चलता है, वेजिटेबल्स अवेलेबल है वहाँ पर, बट ठीक है। अच्छा, ये डायबिटीज के बारे में ये जो रिपोर्ट्स हमने निकलवाए हैं आपसे, ये रिपोर्ट्स कभी आपने निकाले या वहाँ के किसी डॉक्टर ने बताया, किसी इंडियन डॉक्टर ने बताया? मोस्टली ओनली 3 ही डॉक्टर था, आपका फास्टिंग और आफ्टर फूड के 2 घंटे बाद वाला, और एक आफ्टर 3 मंथ्स का जो आपका HbA1c, बस वही बुलाते थे। और अभी रिसेंटली एक जो पता नहीं, आई डोंट नो कौन सा एक टेस्ट उन्होंने किया है, ये तो पैर इसका होगा आपका सेंसेशन कुछ सेंट्रोमीटर, वो तो खैर कमी आएगा, वो तो खैर प्रॉब्लम है, नॉर्मल लेस देन 15। देखिए अभी जो आपने रिपोर्ट निकाले हैं इसके अंदर आपका, हमने फास्टिंग सीरम इंसुलिन सी पेप्टाइड HbA1c, तो ये HbA1c जो आपका 7.1 है,
वो 5.8 आना चाहिए, तब आप नॉन डायबिटिक कंट्रोल में कहलाएंगे आप, ठीक है ना। ये 110 और ये 184 जो है वो 140 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हायर साइड में होता है, आपका HbA1c हायर साइड में होता है। आपने हमारे वीडियो में ऐसी कौन सी चीज आपको पसंद आई, आपको लगा मिलना चाहिए? सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद जो आई, मुझे लगा कि बहुत से पेशेंट को मिलने के बाद, पेशेंटों को तो पता ही नहीं होता था कि वो डायबिटिक है ही नहीं, नहीं रहा। तो मैं सरप्राइज हुआ ये स्टेटमेंट सुन के कि तो आज तक तो ऐसा किसी कोई भी डॉक्टर ने कहा ही नहीं। जब भी जाते थे वो जैसे 3 रीडिंग देख के बोलते थे ये डायबिटिक, और वो अपने जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर देते थे। तो वो लगा, फिर उसके बाद में लगा, फिर जो रिजल्ट्स लोगों के जो मैंने प्रीव्यू देखे, रिव्यूज देखे, इवन दो इसमें इंक्लूडिंग डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, तो वो मोस्टली बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रहा। अगर यही फॉर्मूला आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए, अगर आपको सुनने मिले कि आपको डायबिटीज नहीं है, तो कैसा लगेगा? क्या बात है, तो आप समझ जाइए आप हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैं। थैंक यू वेरी मच। आप नॉन डायबिटिक हैं, आपको न डायबिटीज कभी थी, न कभी है, न कभी होगी आपको। आप यू आर इंजीनियर पर्सन, बेसिकली वी गो ऑन द प्रिंसिपल्स। भाई न्यूटन तो चले गए, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो उस जमाने में भी फल नीचे ही गिरता था, आज भी गिरते हैं, उनके बोलने के पहले भी गिरते थे, लेकिन बीइंग अ साइंटिस्ट ही हैज प्रूव्ड, उसने प्रूव किया कि फल नीचे क्यों गिरते हैं, इट इज का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरे बोलने से आपको डायबिटीज है या नहीं ये नहीं, जो है उसकी सच्चे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके शरीर के अंदर आपके पैंक्रियास से बीटा सेल 45% काम कर रहे हैं, और ये जो बीटा सेल है ये आपकी इंसुलिन बना रहे हैं, जो 4 है, 2 से 25 नॉर्मल होनी चाहिए, और एक सी पेप्टाइड है 1 जो 0.8 के ऊपर होना चाहिए, वो भी नॉर्मल है। ये बता रहा है कि आपका सिस्टम एकदम परफेक्ट है, आपकी टर्बाइन, आप टर्बाइन ही बोले आपकी भाषा में बराबर है, वो परफेक्ट है, थोड़ा सा गड़बड़ है तो वो तो ठीक हो सकता है ना, मैकेनिकल बस बोलता है तो 90% लोग भारत में क्या पूरे वर्ल्ड के नॉन डायबिटिक हैं, लेकिन बाई जस्ट डिफॉल्ट फास्टिंग और पोस्ट मील बढ़ने और HbA1c बढ़ने से ना दे आर स्टैम्प्ड एज डायबिटिक पेशेंट। और जिंदगी भर लोग, आज मैं दूसरे सेंटर में था, आज मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट आए जो 30 साल से डायबिटीज़ का उन्होंने डिक्लेयर किया था, और उनके बॉडी के अंदर जो इंसुलिन की मात्रा थी वो 45 थी, इंसुलिन भी दिया जा रहा था उनको। जब मैंने ये टेस्ट करवाए तो उनके बीटा सेल अच्छे थे, सब कुछ था, उनके आज जो इंसुलिन बाहर से चालू थी वो 105 यूनिट थी, जो आज मैंने 30 पे लाया, और पेशेंट के सारे रिपोर्ट्स अच्छे हैं, सिर्फ शुगर कम नहीं हो रही है इसलिए उन्होंने इंसुलिन चालू कर दिया, समझ गए ना। तो ये बेसिक चीज है, बीइंग ए इंजीनियर यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ बीटा सेल जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, और ये प्रोडक्शन है सब लिमिट में अंदर है, लेकिन नहीं क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, आपकी शुगर बन रही है लेकिन यूटिलाइज नहीं हो रही है, आपका टर्बाइन है लेकिन स्टार्ट नहीं है, आपकी मोटरसाइकिल है किक लगा रहे हैं लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही, ये मोबाइल अगर आपको अंदर की मोबाइल है डेड है, तो इसको अगर स्टार्ट करना है तो क्या करना है, आपको चार्ज करना है। सो यहाँ पे आपके सिस्टम को सिर्फ चार्ज किया जाएगा, ये पूरे जड़ से ख़त्म होने के लिए आपको हमारा जो डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल प्लस 369 है वो आपको उसके अंडर में काम करना पड़ेगा। आपको पूरा 1 साल लगेगा जड़ से ख़त्म होने के लिए, जिसमें आपकी गोलियां एलोपैथिक की बंद हो जाएंगी, हमारे यहाँ की भी बंद हो जाएंगी, और इसके बाद अपनी लाइफ आप आराम से जी सकते हैं। तो डायबोप्लास्टी प्रोटोकॉल 369 प्लस का मीनिंग ये होता है कि 369 यानी ऑलमोस्ट 1 साल 90% लोग ठीक हो जाते हैं,
10% लोग कुछ ऐसे हैं जिनको एक साल से ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हमने 369 प्लस हम बोलते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, हम आपको क्या जो एडवाइस देंगे उसको आप कितना पालते हैं। इसमें आपके कुछ एक्टिवेटर दिए जाएंगे जो इस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, इसको सेंसिटाइजर बोला जाता है, और आपके स्लाइटली डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन हर 15 दिन में, अब आप कब तक हैं इंडिया में? अभी तो हूँ 15 दिन। 15 दिन है, उसके बाद? हाँ, जाने का है, पर लेट्स सी, अगर मेरी तबीयत ठीक होती है, मतलब अभी आई एम ठीक, ठीक ही हो गया हूँ। बराबर, हाँ ठीक ही हो गए। तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि हर 15 दिन में मुझे फास्टिंग और पोस्ट मील, ये दो रिपोर्ट्स मुझे हर 15 दिन में लगते हैं, ताकि आपको भी पता लगे आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद में हमें जो कुछ एक्टिवेटर देखें उसको हमें कम ज़्यादा करना पड़ता है। और अभी आपकी एलोपैथी जो है डॉक्टर साहब ने लिखी है जिन्होंने, उसको चालू रखना है। वो हम तब बंद करेंगे जब आपका 5.8 आ जाएगा, क्योंकि बॉडी आपकी हैबिचुएट होगी। ये 5 साल से आप दवाइयाँ ले रहे हैं, एलोपैथी हम नहीं निकाल सकते। जैसे जब मकान बनता है तो ऊपर की जब छत बनती है तो सेंटरिंग ठोकी जाती है, जब ऊपर का पक्का हो गया तब नीचे से निकालते हैं। तो वही सिस्टम है, जब आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा तो आपकी बोलियाँ धीरे से आप डॉक्टर जाएगी। आपको कैसा लग रहा है आज ये सब चीज़ें सुन के? आपको ऐसा लगा था कि यहाँ जाने का ऐसा सुनने मिलेगा मुझे? वो तो नहीं था कि डायबिटिक में ये सुनने को मिलेगा, ये तो नहीं सोचा था, बट आई एम रियली सरप्राइज्ड, आई एम वेरी हैप्पी। तो देखा आपने, यदि आप भी डायबिटीज के जाल से मुक्ति चाहते हैं तो वैज्ञानिक डॉक्टर एस कुमार से जरूर मिलें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट करें। नेशनल खबर की रिपोर्ट, जयपुर। नेशनल खबर, सब पर नजर।